नमस्कार दोस्तों, किसी भी करदाता के लिए यदि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी तो उस टैक्स ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी के केस में उनके रिलेवेंट टैक्स ऑडिटर को बहुत से ऐसे क्लॉजेस जो फॉर्म 3CD में मेंशन किए गए हैं फिलअप करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये ज्यादातर क्लॉजेस दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल सके कि करदाता क्या इनकम टैक्स प्रस्पेक्टिव से या किसी अन्य लॉ के प्रस्पेक्टिव से निर्धारित कंप्लायंस कर रहा है अथवा नहीं। इसी दृष्टि में माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइजेस के पेमेंट से संबंधित दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्लॉज 22 एवं क्लॉज 26 इस असेसमेंट ईयर यानी रीसेंट असेसमेंट ईयर 24-25 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी भी टैक्स ऑडिटर के लिए इन क्लॉजेस में रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो से मैं आपके समक्ष यही कुछ बिंदु रखने वाला हूं ताकि यदि आप एक ऑडिटी हैं जिन पर एक टैक्स ऑडिटर ऑडिट करता है तो आप ऑडिटर का पर्सपेक्टिव समझ सकें और एक टैक्स ऑडिटर भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी क्लैरिटी को और बढ़ाने में सक्षम होंगे। आइए आगे लिए चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपके साथ चर्चा कर रहा हूं सेक्शन 43B में आए अमेंडमेंट की जो कि फिनेंस एक्ट 2023 ने किया था। ये 43B सेक्शन क्या व्यवस्था देता है? ये कहता है कि सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, यानी ऐसे कुछ डिडक्शंस हैं जिन्हें इनकम टैक्स लॉ में आप क्लेम तभी कर सकते हैं जब आप उनका वास्तविक भुगतान कर दें। अब इस सेक्शन का कुछ बेरेक पोर्शन आपके समक्ष रखता हूं। से 43B शुरू होता है, नॉट डिस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट अ डिडक्शन अदरवाइज अलाउबल अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेबल बाय द असेसी बाय वे ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस फीस बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एक्सेट्रा। इस प्रकार ABCDEFG क्लॉजेस अब तक चले आए। फिनेंस एक्ट 2023 यानी बजट 2023 में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक क्लॉज एच और प्रपोज किया जो फाइनली फिनेंस एक्ट का शेप ले गया और इस क्लॉज एच में यह कहा गया एनी सम पेबल बाय एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 शैल बी अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर in which the liability to pay such sum was incurred by the assessee according to the method of accounting regularly employed by him only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him. तो यदि आप सेक्शन 43B की आत्मा को समझेंगे तो वो सेक्शन ये कहता है कि 43B में मेंशन क्लॉजेस में जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो असेसी को डिडक्शन के लिए तभी अलाउड होंगे जब उनका वास्तविक भुगतान कर दिया गया हो, चाहे आपने उन्हें बुक्स में क्रेडिट बेसिस पर क्लेम किया हो, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया हो, परंतु यदि आपने उन खर्चों का भुगतान नहीं किया तो आपको संबंधित डिडक्शन क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा। पर कभी नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं, तब मिलेगा जिस ईयर में आप उस संबंधित भुगतान को कर देते हैं। तो अब इसे आप इस प्रकार समझिए कि यदि किसी माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज को आप कोई भुगतान करने के लिए लाइबल हैं और आपने सेक्शन 15 में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत यहां सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट है में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ऐसा भुगतान नहीं किया माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज को, तो वो भुगतान तब अलाउड होगा उस ईयर में डिडक्शन में अलाउड होगा जिस ईयर में आप वास्तव में वो भुगतान कर देते हैं। अब दोस्तों इसी सेक्शन 43B का एक प्रोविजो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ रिलीफ की बात करता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच, ये क्लॉज एच जो अभी अभी इंसर्ट हुआ उसको बाहर फेंका गया इस प्रोविजो से कि क्लॉज एच का कवरेज नहीं है, बाकी सारे ABCDG तक के जो भी क्लॉजेज हैं वो कवर्ड हैं इस प्रोविजो में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच शेल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी सम विच इज एक्चुअली पेड बाय द असेसी on or before the due date applicable in his case for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139 in respect of previous year
in which the liability to pay such sum was incurred as a forfeit, and the evidence of such payment is furnished by assessee along with such return. तो एक रिलैक्सेशन क्या थी इस प्रोविजन से कि अगर आपने 43 बी के क्लॉज ए से लेकर के जी तक के जो भी पेमेंट है उन्हें निर्धारित अवधि में विद इन फाइनेंशियल ईयर तो नहीं पे किया, चाहे आपने बुक्स में ड्यू किया, पर आपने आईटीआर भरने की ड्यू डेट, से फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर भरने की ड्यू डेट होगी ऐसे करदाताओं के केस में जहां टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर 2024, तो आपने 31 अक्टूबर 2024 तक अगर संबंधित भुगतान कर दिया तो आपका डिडक्शन पिछले वित्त वर्ष में ही मिल जाएगा, यानी वित्त वर्ष 23-24 में ही मिल जाएगा। लेकिन इससे क्लॉज एच को बाहर रखा गया है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, यदि माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज से संबंधित भुगतान आपने एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 के अनुरूप निर्धारित अवधि में नहीं किया, चाहे आप ये कह रहे हैं कि अनुप जी मैंने नहीं किया परंतु बाद में 139(1) के पीरियड में तो कर दिया, से 31 अक्टूबर 2024 से पहले कर दिया, तो सर फिर भी आपका डिडक्शन वित्त वर्ष खिसक जाएगा, यानी आप क्लेम कर रहे थे बुक्स में खर्चे को 23-24 में, वित्त वर्ष 23-24 में, पर इस प्रकार की नॉन कंप्लायंस की वजह से आपका डिडक्शन का ईयर से 24-25 हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक व्यवस्था इस क्लॉज एच की वजह से और इस क्लॉज एच के इस प्रोविजन से एक्सक्लूजन की वजह से पैदा होती है। बात को और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण यहां पर रखता हूं कि मान लीजिए एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड विच हैज बॉट सर्टेन रॉ मटेरियल ऑफ ₹10 लाख ऑन 20th of March 2024 within agreed 30 days credit period from ABC and company, which is a partnership firm, which is manufacturer of such raw metal and holding an Udyam Aadhar registration, being a small category manufacturer. However, the actual payment to ABC and company could be made on 1st of June 2024. In this case, the possible consequences on XYZ Private Limited from income tax perspective would be. अब आप इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने किसी स्मॉल कैटेगरी में उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होल्ड करने वाली पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए का भुगतान करना था बिकॉज उन्हें कोई रॉ मटेरियल मिला 20 मार्च 2024 को और 30 दिन का क्रेडिट पीरियड उनको मिला था कि 20 मार्च 2024 पश्चात 30 दिन के अंदर उन्हें भुगतान करना है। तो अगर आप 30 दिन की अवधि लेते हैं तो यहां पर लगभग 11 दिन मार्च के हो गए और 19 दिन अप्रैल के हो गए, तो 19 अप्रैल 2024 तक से भुगतान करना था परंतु 19 अप्रैल 2024 तक भुगतान नहीं हुआ, वास्तविक भुगतान 1 जून 2024 तक हुआ। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जरा समझिएगा। द एक्सपेंडिचर टू द ट्यून ऑफ ₹10 लाख, क्योंकि आपने माल खरीदा है तो वो आपके लिए एक एक्सपेंडिचर हुआ, तो एक्सपेंडिचर टू द ट्यून ऑफ ₹10 लाख शेल नॉट बी अलाउबल वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25, यानी वित्त वर्ष 23-24 के टोटल इनकम की गणना में 10 लाख का खर्चा XYZ प्राइवेट लिमिटेड को नहीं मिलेगा, चाहे उन्होंने बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या होगा, यदि 10 लाख का डिसलांस हुआ, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड 25% की टैक्स रेट पर टैक्सेबल होती है तो उन्हें 2.5 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा इस डिसलांस की वजह से। हाँ, ये बात सही है कि अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 24-25 में उस खर्चे का डिडक्शन 10 लाख का डिडक्शन कंपनी को मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का हमारी अकाउंटिंग भाषा में टाइमिंग डिफरेंस है और करदाता के हाथ में डेफर टैक्स एसेट क्रिएट होगी। आगे देखिएगा, इफ ड्यू टू सच डिले एन इंटरेस्ट इज पेड एज पर MSMED एक्ट 2006, सच इंटरेस्ट शिल नॉट बी अलाउबल एज अ डिडक्शन। सेक्शन 23 ऑफ MSMED एक्ट कहता है कि अगर आपने डिले किया है तो RBI के बैंक रेट की थ्राइस रेट पर आपको डिले पीरियड का इंटरेस्ट भी देना है। तो ऐसा इंटरेस्ट अगर करदाता ने अपनी बुक्स में ड्यू किया है तो वो इंटरेस्ट भी डिसअलाउड हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी वजह से करदाता के ऊपर, क्योंकि 10 लाख का डिडक्शन डिसअलाउ हुआ से 2.5 लाख का टैक्स बना, तो आपके सेक्शन 234A, 234B अथवा 234C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में लगने वाले ब्याज की गणना भी प्रभावित होगी। अल्टीमेटली आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। न केवल ये दोस्तों, यदि ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस असेसमेंट के दौरान बाद में पकड़ में आती है तो असेसी के ऊपर अंडर सेक्शन 270A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो ये एक ग्रेविटी आपको यहां इस उदाहरण से समझने को मिलेगी कि सेक्शन 43B क्लॉज एच का क्या प्रभाव किसी करदाता पे हो सकता है।
दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था कि मुझे एमएसएमई के पेमेंट से संबंधित दो क्लॉजेस आपके साथ डिस्कस करने हैं, चाहे आप ऑडिटी हो अथवा आप ऑडिटर हो। और ये दो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 22 एवं क्लॉज 26। एक एक करके इन क्लॉजेस का डिस्कशन करता हूं आपके साथ। सबसे पहले आपके समक्ष रखता हूं कि क्लॉज 22 कैसे होता था, यानी ऑडिट फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, यानी वित्त वर्ष 22-23 की जब हम टैक्स ऑडिट करते थे, तो क्लॉज 22 एज एन ऑडिटर मुझसे पूछता था कि अनुप जी जरा बताइए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडविजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006। यानी मान लीजिए अभी के एग्जांपल में एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख का पेमेंट जब लेट भुगतान किया तो उन्होंने 5,000 रुपए का ब्याज का भुगतान किया। मैं एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। 5,000 रुपए का ब्याज का भुगतान किया तो वो नेचुरली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। परंतु सेक्शन 23 ये कहता है एमएसएमईडी एक्ट का कि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको इनकम टैक्स पर्पजेस से नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो पर्टिकुलर 5,000 का ब्याज दिया एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ने, वो डिसअलाउड होता था और ऑडिटर को क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD में इस इंटरेस्ट को यदि डेबिट किया हो तो रिपोर्ट करना होता। इसी प्रकार दोस्तों क्लॉज 26 क्या बोलता था, अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो 3CD फॉर्मेट था वो क्या व्यवस्था करता था, वो कह रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू इन क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जी ऑफ सेक्शन 43B द लायबिलिटी फॉर विच ए प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बट वॉज नॉट अलाउड इन असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड वॉज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब तो क्या हुआ, मान लीजिए मैं वित्त वर्ष 22-23 की बात कर रहा हूं, असेसमेंट ईयर 23-24, तब जब हम टैक्स ऑडिट कर रहे थे तो हमें यह बोलना था कि वित्त वर्ष 21-22 में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिडक्शन 43B में डिसला हुआ, लेकिन हमने उसका भुगतान वित्त वर्ष 22-23 में कर दिया तो हमें वो वहां पर रिपोर्ट करना था क्लॉज 26 पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या कहता था, वॉज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड वॉज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 139(1). तो ऐसा खर्चा जो हमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बुक कर लिया से वित्त वर्ष 23-24 में और हमने बिफोर 139(1) पे कर दिया, तो अगर मान लीजिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट थी, मैंने 31 मार्च को कोई खर्चा ड्यू किया से गवर्नमेंट ड्यूज थे और उन्हें 31 अक्टूबर तक पेमेंट कर दिया तो मुझे खर्चे का डिडक्शन मिल जाता था। ये व्यवस्था इस पार्ट बी में थी, या मुझे रिपोर्ट करना था एज ए ऑडिटर नॉट पेड ऑन और बिफोर द अफोरसेड डेट, और यदि मैं मेंशन कर देता कि करदाता ने ये पेमेंट नहीं किया तो करदाता को रिस्पेक्टिव अमाउंट का डिसअलाउंस लेना पड़ता था। ये व्यवस्था थी क्लॉज 22 और 26 की अप टू असेसमेंट ईयर 23-24। अब मैं बात करूंगा कि असेसमेंट ईयर 24-25 से व्यवस्था में क्या बदलाव है। अब दोस्तों क्लॉज 26 में बड़ी मजेदार बात यहां आपके साथ कर रहा हूं कि इनिशियली इस साल जो टैक्स ऑडिट का फॉर्मेट है असेसमेंट ईयर 24-25 का, उसमें दो बार बदलाव है। पहला आया 5 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन के थ्रू और दूसरा एक कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन लेकर के आए 19 मार्च 2024 को। तो पहले इन्होंने क्या किया, जो क्लॉज 26 था उसमें क्लॉज एच, उसमें सब क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B और इंसर्ट कर दिया, जबकि जो लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 43B के संदर्भ में क्लॉज 26 में थी वो क्लॉज एच के साथ में पर्टिकुलरली पार्ट बी में नहीं बैठ रही थी। क्यों, क्योंकि वहां पर सेक्शन 139(1) का रेफरेंस था, जबकि एमएसएमईडी एक्ट से रिलेटेड पेमेंट का जो भुगतान है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 और 16 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट होना चाहिए, जिसका नॉर्मल पीरियड होता है मैक्सिमम 45 डेज अगर एग्रीमेंट हुआ है, नहीं तो अपॉइंटेड डे से पहले पहले भुगतान हो जाना चाहिए। तो यहां पर ये जो अमेंडमेंट आया था क्लॉज एच में 5 मार्च 2024 के नोटिफिकेशन से, ये अमेंडमेंट बाद में इन्होंने पुल बैक किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनिशियली इन्होंने बोला था बिलो रिपोर्टिंग प्रपोज टू बी डन अंडर द अमेंडमेंट क्लॉज अमेंडेड क्लॉज, कि पहले ये कहा गया कि एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउबल अंडर क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, लेकिन क्योंकि क्लॉज 26 वॉज नॉट अमेंडेड टू रिक्वायर द रिपोर्टिंग ऑफ अमाउंट नॉट पेड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, सो अल्टीमेटली क्लॉज 26 का अमेंडमेंट वापस लिया गया और क्लॉज 22 में अमेंडमेंट किया गया,
ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था बदलाव 19 मार्च 2024 के नोटिफिकेशन से कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन से आई। इस चर्चा को सरल बनाता हूं दोस्तों कि अल्टीमेटली जो परिवर्तन है वो क्लॉज 26 में कुछ नहीं हुआ और क्लॉज 22 में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? अमेंडेड क्लॉज 22 रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ वन, ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है या ऑडिटी को क्या तैयारी करनी है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ऐसा कोई इंटरेस्ट जो एमएसएमईडी एक्ट के अनुरूप करदाता ने दिया है वो डिडक्शन डिसअलाउंस लेना पड़ेगा, चाहे पीएनएल में डेबिटेड हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड हो। एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउबल अंडर क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऑडिटर को ऐसे सारे भुगतान जो माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज से संबंधित हैं, जो संबंधित करदाता या ऑडिटी ने भुगतान नहीं किए विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज एच रेड विद एमएसएमईडी एक्ट सेक्शन 15 एंड 16। तो जैसे ही यहां पर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उन खर्चों को, तो असेसी को संबंधित खर्चों का डिसअलाउंस होगा, यह अल्टीमेट इंपैक्ट आना है। हालांकि नो फॉर्मेट इज प्रिस्क्राइब फॉर रिपोर्टिंग ऑफ अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर क्लॉज एच, हैज द टोटल अमाउंट लाइबल टू बी डिसअलाउड इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड इन क्लॉज 22। तो यहां ऑडिटर को लिस्ट नहीं बतानी कि कौन कौन से खर्चे ऑडिटर की ओपिनियन में या ऑडिटर की फाइंडिंग्स में 43B क्लॉज एच में डिसअलाउंस है। ऑडिटर को एक एडहॉक अमाउंट, टोटल अमाउंट जो उनकी वर्किंग से डिराइव किया गया हो, वो यहां क्लॉज 22 में मेंशन करना होगा। तो दोस्तों फिर कहूंगा समरी करने के लिए कि ऑडिटर अकॉर्डिंगली नीड्स टू एंश्योर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाउंट्स पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सीधे शब्दों में बिल्कुल क्लियर कट बात करूं तो 31 मार्च को किसी भी करदाता की बुक्स में, ऑडिटी की बुक्स में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स खड़े हैं वो ऑडिटर को एनालाइज करने होंगे और ये देखना होगा कि उन सन्ड्री क्रेडिटर में कौन से माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज है और उन माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज में किनको भुगतान विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ एमएसएमईडी एक्ट हो गया, वो खर्चे तो संबंधित वित्त वर्ष 23-24 में अलाउ हो जाएंगे, और किनको भुगतान विनिर्दिष्ट समयावधि में नहीं किया गया वो खर्चे ऑडिटर को क्लॉज 22 में रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो ऑडिटर को टाइमली पेमेंट वेरिफिकेशन देखना है, वेरिफिकेशन करना है, ऑडिटर को नॉन अलाउबल अमाउंट्स ट्रेस आउट करने हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ऑडिटर को ध्यान रखनी है कि सेक्शन 43B क्लॉज एच उन्हीं खर्चों के संदर्भ में लागू होगा जो कि करदाता को अदरवाइज अलाउबल है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन। तो अगर अदरवाइज अलाउबल नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन में, तो डबल डिसअलाउंस जैसी व्यवस्था 43B क्लॉज एच से नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज को जो भुगतान था वो लेट तो किया गया परंतु कैश किया गया, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि कैश भुगतान है और सेक्शन 43 में डिसअलाउंस करदाता ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में, या 43A में डिसअलाउंस ले रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑडिटर को पुनः उस खर्चे को 43B क्लॉज एच में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चर्चा यहां ये करता हूं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियोस ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज एच व्हिच मे कम अप बिफोर द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। सिनेरियो वन, ऑडिटी हैज नॉट आइडेंटिफाइड द एमएसएमई स्टेटस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। सेकेंड, Audity has identified the status of MSME but no interest is provided in the books. And third, Audity has identified as well as provided interest regarding MSME supplier. So third scenario सबसे ideal scenario है जो किसी भी auditor के पास available हो और Audity द्वारा प्रदान किया जाए। लेकिन कुछ चर्चा इस प्रकार की भी चलती है कि यदि Audity से केवल ये लिखवा लिया जाए कि मुझे नहीं पता साहब कि मेरा कौन सा सप्लायर माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज है, तो क्या इस तरीके का एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन अलोन सफिशिएंट होगा? मेरी राय यह है दोस्तों कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मेरा फोकस रहेगा 31 मार्च 2024 के क्रेडिटर्स पर, तो एटलीस्ट यदि मैं 31 मार्च 2024 के क्रेडिटर्स के जो वाउचर्स हैं या जो उनकी इनवॉइसेस हैं उनको वेरीफाई करूं, उनमें देख पाऊं कि क्या किसी के इनवॉइस के ऊपर कोई माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज होने का कोई स्टेटस दिखता है, और वहां से जो मैं क्लैरिटी डेवलप करूं उससे मैं एज एन ऑडिटर डिसाइड करूं कि क्या कोई पर्टिकुलर खर्चा
सेक्शन 43 बी क्लॉज एच में कवर्ड होता है या नहीं होता, एंड अकॉर्डिंगली एज एन ऑडिटर आई हैव टू फ्रेम एन ओपिनियन हाउ मच विल बी द डिसअलाउंस विद द असेसी पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड रिपोर्ट अंडर 43 बी क्लॉज एच. कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या क्वेरीज जो 43 बी क्लॉज एच की रिपोर्टिंग में किसी ऑडिटर के दिमाग में आ सकते हैं या ऑडिटी को ध्यान रखने चाहिए. हाउ टू आइडेंटिफाई अ सप्लायर एज अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच कैन बी विद रेफरेंस टू द उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन अवेलेबिलिटी विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट साइन बिटवीन द पार्टीज और विद रेफरेंस टू द इनवॉइस और एन ऑर्डर कॉपी अवेलेबल विद द असेसी. Second important point is determining the appointed day, that is the day following immediately after the expiry of period of 15 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of any goods or services by a buyer from a supplier. Ke agar hum MSME law dekhte hain to wo ye kehta hai ki agar aapke beech mein koi agreement hai to maximum 45 days payment ke ho sakte hain, isse zyada delay nahi hogi. Aur yadi koi agreement nahi hai तो अपॉइंटेड डे से पहले पहले भुगतान हो जाना चाहिए. और अपॉइंटेड डे के लिए क्या बोला है, डे इमीडिएटली डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय अ बायर फ्रॉम अ सप्लायर. तो ये 15 दिन की गणना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी से, इससे पहले पहले भुगतान हो जाना चाहिए. यदि नहीं भुगतान होगा तो जिस वित्त वर्ष में वास्तविक भुगतान होगा उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ये भी चल रही है मार्केट में कि रिगार्डिंग पेमेंट टू रिटेलर्स एंड होलसेलर्स वेदर 43 बी क्लॉज एच प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट. कि यदि कोई ट्रेडर है उस परिस्थिति में भी 43 बी क्लॉज एच की व्यवस्था चालू है या नहीं है, यानी अप्रभावी है. तो एक जनरल इंटरप्रिटेशन जो अब तक निकल करके आ रही है जिसे ज्यादातर सीए फ्रेटर्निटी फॉलो कर रही है कि रिटेलर्स अथवा होलसेलर्स यानी जो ट्रेडर्स हैं उनको यदि कोई पेमेंट ड्यू है तो जनरली 43 बी क्लॉज एच को वहां लागू नहीं किया जा रहा. वेदर इन इनवॉइस और परचेज ऑर्डर इटसेल्फ इज एन एग्रीमेंट, सो इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी इफ देयर इज नो एग्रीमेंट अवेलेबल एज सच देन एन इनवॉइस और परचेज ऑर्डर कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड टू बी एन एग्रीमेंट. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी आता है वेदर जीएसटी कंपोनेंट इज कवर्ड अंडर 43 बी क्लॉज एच. तो ज्यादातर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 43 बी क्लॉज एच के पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी कंपोनेंट को नहीं कवर करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ज्यादातर असेसी एक्सक्लूसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलते हैं जिसमें जीएसटी पेबल को वो पीएनएल से रूट नहीं करते. तो ऐसी परिस्थिति में जीएसटी कंपोनेंट 43 बी क्लॉज एच में शामिल नहीं होना चाहिए. क्या कैपिटल गुड्स पर 43 बी क्लॉज एच लागू होगा? वहां पर भी अगर किसी ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो दे मे बी हैप्पी फॉर टाइमिंग टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल गुड्स पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं ज्यादातर. तो ऐसी परिस्थिति में डेप्रिसिएशन एक तरीके का अलाउंस है, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं है, इसलिए 43 बी क्लॉज एच वहां लागू नहीं होना चाहिए. तो दोस्तों अंत में यह कहूंगा कि 43 बी क्लॉज एच पर बहुत मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी और आज भी है कि ये प्रोविजन हट जाना चाहिए. हटेगा या नहीं हटेगा या तो सरकार जानती है या कोर्ट्स जो इस पर्टिकुलर मामले पर ऑलरेडी संज्ञान ले चुके हैं वो बताएंगे. लेकिन इन द मीनवाइल असेसमेंट ईयर 24-25 यानी वित्त वर्ष 23-24 की टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर 2024 अब जल्द ही समाप्त होने वाली. तो ऐसे में ऑडिटर्स को इस 43 बी क्लॉज एच की कंप्लायंस निश्चित रूप से करनी है और ऑडिटी को यानी जिनकी ऑडिट की जा रही है उन्हें भी तैयार रहना है कि अगर ऑडिटर 43 बी क्लॉज एच के पॉइंट ऑफ व्यू कोई फैक्चुअल फाइंडिंग लेकर के आते हैं तो रिलेवेंट डिसअलाउंस लेना चाहिए या लेना पड़ेगा. और जब आप ये डिडक्शन का डिसअलाउंस लेंगे तो जब आप वास्तविक रूप से भुगतान करेंगे उस समय खर्चे का डिडक्शन मिलेगा. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में यहां रखता हूं कि दो तीन चीजें यहां समझने की थी कि 43 बी क्लॉज एच जिसे इंसर्ट किया गया एक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के रूप में उसका मार्केट में ओवरऑल इंपैक्ट अब तक नेगेटिव जाता दिख रहा है. क्यों नेगेटिव जाता दिख रहा है? क्योंकि इसकी वजह से जो स्मॉल अथवा माइक्रो कैटेगरी के सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बिजनेस करने में प्राइमा फेसाई दिक्कत आई कि सामने वाले बायर ने उनसे कहा कि भाई आपके पास माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी के रूप में अगर रजिस्ट्रेशन है तो हम व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि 43 बी क्लॉज एच लागू हो रहा है.
और उससे हमें डिडक्शन क्लेम करने में दिक्कत आएगी। तो ये एक तरीके से रक्षा में हत्या हो। मेरा ये भी मानना है कि जब 43 बी के प्रोविजो में ये लिखा था कि 139 वन तक भुगतान कर दिया जाता तो डिडक्शन मिल जाता, अगर इतनी भी व्यवस्था कर दी जाती 43 बी क्लॉज एच संबंधी पेमेंट्स में, तो बहुत से माइक्रो अथवा स्मॉल कैटेगरी सप्लायर्स का, चाहे सर्विस क्यों चाहे गुड्स क्यों, उनके पेमेंट 139 वन तक हो जाते हैं, जो अब तक किन्हीं और कैटेगरीज में हो रहे थे। लेकिन यहां भी सरकार ने बड़ा कड़ा प्रावधान रखा। देखिए दोस्तों, ये कड़ा प्रावधान इसलिए कड़ा माना जा रहा है, चाहे ये सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये एक तरीके से बिजनेसमैन के बिजनेस करने के स्टाइल पर चेंज लाने की बात है, या अटैक है कि आपको साहब माइक्रो अथवा स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप आदर्श विचारधारा से देखें तो बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे तो ये बड़ा कड़ा प्रावधान है जिसका इंपैक्ट नुकसानदायक दोनों के लिए हो गया। वन, जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है, एंड सेकेंड जो रिसीव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसे और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, बट फॉर टाइमिंग बिकॉज ऑडिटर के लिए तो ये मैंडेट है, तो ऑडिटर को 43 बी क्लॉज एच में रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। तो आज के लिए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।